जय हिंद, जय भारत साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, ईएसबी यानी व्यापम ने अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। झटका तो तब लगा जब हमें उस पूरे कैलेंडर की भर्ती में एमपीएसआई का कोई जिक्र करती हुई बात नहीं दिखी। तो आज का जो हमारा सेशन है मात्र एक मिनट का, कि आखिर उस पूरे कैलेंडर में आप ये देखिएगा, इस पूरे कैलेंडर में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी गई हैं। कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, सारी वैकेंसी, चाहे वह आपका वर्ग दो हो, वर्ग तीन हो, महिला सुपरवाइजर हो, वनारक्षक हो, जेल प्रहरी हो, अन्य अन्य, इन सभी वैकेंसियों के बारे में सारी चीजें बताई हैं। हालांकि इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। और कौन कौन से पद, जैसे एएसआई हेड कांस्टेबल में कितने पद होंगे, वर्ग दो में, वर्ग तीन में, वनारक्षक में, ये सारी जानकारी मैंने अलग वीडियो में, आप उसे देख लें। लेकिन इतनी सारी जानकारी देने के बाद इस पूरे शेड्यूल में, इस पूरे कैलेंडर में एसआई की बात नहीं करी गई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो स्पेशली एमपीएसआई के लिए डेडिकेट हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, घबराइए नहीं, एमपीएसआई बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और एमपीएसआई के कम से कम 700 से 1000 के लगभग में आपके पद आने की संभावना है। लेकिन पहला प्रश्न ये है कि आखिर ये व्यापम ईएसबी बोर्ड ने कैलेंडर में जारी क्यों नहीं किया। उसका एक रीजन ये भी माना जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है, बहुत लगभग एक साल से ही हमारे बीच में ये जानकारी है कि इस बार की जो पुलिस की वैकेंसी, एमपीएसआई की जो पेपर लेने का दामोदार है, वो कहीं ना कहीं हमारा पुलिस विभाग लेगा। यानी एमपीएसआई की जो वैकेंसी है, हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट लेगा, और पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके लिए बहुत प्रक्रिया, बहुत काम कर लिया, अंतिम दौर पर, अंतिम चरण पर यह प्रक्रिया चल रही है। सिलेबस भी चेंज होने की संभावना पूरी है, और इंटरव्यू जो 10 नंबर का होता था एमपीएसआई में, वो अब 50 नंबर का होने वाला है, और फिजिकल के मार्क्स जुड़ रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपडेट हैं। इस कारण से यानी यह एमपीएसआई का जो एग्जाम है वह पुलिस डिपार्टमेंट स्वयं लेगी। इस कारण से कहीं ना कहीं ईएसबी बोर्ड यानी व्यापम कैलेंडर में एमपीएसआई का जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, यदि आप फुल टू फुल एमपीएसआई के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप बिल्कुल बने रहें, बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि बजट में भी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 साल में 1 लाख वैकेंसी देंगे, और लगभग इस साल 7000 पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी शुरुआत आपने कहीं ना कहीं इस कैलेंडर में देख ली है। इसमें वनारक्षक, जेल प्रहरी के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है, नए आने की पुलिस आरक्षक की वैकेंसी नहीं आ सकती है, है ना, पद भी बढ़ सकते हैं, एमपीएसआई आ सकती है, साथ ही साथ आपने देखा होगा एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद आ गए हैं। तो पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत जल्द एमपीएसआई का एक नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, और माइंड फॉर अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, उस पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, चाहे आपका वर्ग दो हो, वर्ग तीन का हो, एमपीएसआई का हो, कांस्टेबल का हो, वनारक्षक को, आप उनसे ही पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। ये जानकारी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।